अरे वर्मा जी, हेलो विजय। नमस्कार, क्या हालचाल भाई? अरे ऑफिस में सब आपको याद कर रहे थे, आप इतने दिनों से गायब जो है, तो मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। और सब कैसा है? सब ठीक? बन गया आपका महल? रिनोवेशन का काम खत्म हुआ कि नहीं? चल रहा है रिनोवेशन। रिनोवेशन का क्या, लगे पड़े यार 40 दिन से मजदूर बन के रह गए और कुछ नहीं है। कहने के लिए कॉर्पोरेट जॉब है बस, हम तो रिनोवेशन मत लग रहा अभी, लग रहा है बस पेंटर के साथ जाके कहीं पे भी पेंटिंग करना शुरू करता हूँ, काम यही तो सीख लिया। क्यों, अभी तक काम बचा है क्या? अरे नहीं, बस आखिरी के 2 दिन बचे हैं, ये खत्म होगा उसके बाद मैं तो निकल रहा हूँ, थक गया रिनोवेशन से यार। 4-5 दिन आराम से फैमिली के साथ रिलैक्स करूंगा, उसके बाद फ्रेश माइंड से ऑफिस ज्वाइन करूंगा। वर्मा जी, मैंने तो सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए फोन किया है कि आपको याद है ना, वोटिंग वाले दिन हम लोग वोट देने के बाद पूरा स्टाफ लंच पे जा रहे हैं। लंच पे? आपको याद है ना, ये कहीं महल बनाने के चक्कर में भूल तो नहीं गए ना? वोटिंग वाले दिन लंच पे मिलना था। अरे विजय, मैं कहाँ यार, मैं तो रिनोवेशन से इतना परेशान हो गया, मैं तो रिलैक्स करने जा रहा हूँ यार लोनावला, तो मैं तो वोटिंग के दिन यहाँ नहीं रहूंगा यार। और मैं सच बोलूं तो मैं ये वोट देने की जो प्रैक्टिस है ना, मुझे तो बहुत स्टूपिड लगती है। अरे कुछ है ही नहीं, किसको वोट देना है? क्यों? अब देखना, मैं किसी को भी वोट दूं, अगर कल वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई तो क्या करती है? वो बैकडोर से जितने भी निर्दलीय हैं या छोटी पार्टी के लीडर्स हैं उनको खरीद लेती है, गवर्नमेंट बना लेती है। और अगर तब भी गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो क्या करते हैं, कल तक जिसको गाली दे रहे थे उसके बाद हाथ मिला के गवर्नमेंट बना लेते हैं। भाई अपने कॉमन मैन जो है ना, उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत वोट दिया यार जिंदगी में। वर्मा जी एक बात बताइए, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? भाई आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग ही होती है, स्टोर में जाके शॉपिंग करने की फुर्सत किसे है? तो फिर जहां से भी आप शॉपिंग करते हैं वहां रेटिंग भी देते होंगे? हाँ हाँ देता हूँ। और जब ओला उबर से ट्रेवल करते हैं तो ड्राइवर को रेटिंग देते हैं? भैया ओला उबर के ड्राइवर तो खुद ही रेटिंग मांगते हैं वहीं बैठे बैठे, वरना नाराज हो जाते हैं। और ऑनलाइन खाना मंगाते वक्त स्विगी जोमैटो देता हूँ ना? अरे सबको रेटिंग देता हूँ भाई, बिना रेटिंग के आके गुजारा किधर है? तो वर्मा जी, जब बात देश के भविष्य की आती है तो सबको मौत क्यों आने लगती है? मतलब? मतलब ये कि आप ये बात तो मानते हैं कि आपकी एक छोटी सी रेटिंग से न सिर्फ आउटलेट बल्कि उस आउटलेट से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर के माइंडसेट और डिसीजन पर फर्क पड़ता है, मानते हैं ना? अरे मानता हूँ, मतलब क्या, मैं खुद जब भी खाना ऑर्डर करना होता है या ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है पहले मैं रेटिंग देखता हूँ उसके बाद ही ऑर्डर करता हूँ। और ये मैं नहीं भाई, सब करते हैं आजकल, यही तो तरीका है। आप अलग अलग रेस्टोरेंट की साइट पे जाके उनको रेटिंग देने के लिए मेहनत कर सकते हैं, मगर अगले 5 साल आपका देश कौन चलाएगा, वो कौन लोग होंगे जो सरकार बनाएंगे, ये तय करने के लिए आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। अरे यार विजय, तेरे को समझाया ना यार, ये सब लोग मिले हुए हैं यार, पब्लिकली एक दूसरे को गाली देते हैं और जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है तो हाथ मिला लेते हैं। हम लोग तो बस भैया ऐसी बेवकूफ बनते रहते हैं। सच बोल रहा हूं वर्मा जी, अगर आपकी बात माने तो मुझे लगता है इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके नजरिए से देखें तो आम आदमी तो मान चुका है कि उसके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। फिर तो जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपस में मानवाली कर लेनी चाहिए कि भाई एक काम करते हैं, 5 साल आप गवर्नमेंट चलाओ और 5 साल हम गवर्नमेंट चलाते हैं, 5 साल आप ऐश करो और 5 साल हम ऐश करते हैं, है ना? जहां तक रही बात आम आदमी की, कॉमन मैन की, तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, है ना? यही है ना आपका आइडिया? लेकिन वर्मा जी ऐसा है नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को आम आदमी के वोट की वैल्यू है, इसलिए इलेक्शन आने से 1 साल पहले से स्ट्रेटजीज बननी शुरू होती है, दिन रात काम होता है। इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल नेता हर आदमी से मिलना चाहता है, उसको रिझाना चाहता है, क्योंकि वो हमारे वोट की वैल्यू जानते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी के वोट की वैल्यू जानती है, इसलिए आरक्षण देकर खुश करने की कोशिश करती है। हर पॉलिटिकल पार्टी को आम आदमी के वोट की वैल्यू है, इसलिए मंदिर मस्जिद जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर आज तक निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता आम आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, उनका वोट बैंक कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो आम आदमी के वोट की वैल्यू जानते हैं।
दरअसल वोट तो उतना ही पावरफुल है, सिर्फ वोट देने वाले वोटर ने अपने आप को खोटा सिक्का समझ लिया है। बाकी आपकी मर्जी वर्मा जी। Run. क्या आप भी अपने आप को खोटा सिक्का समझते हैं? अगर नहीं तो लॉन्ग वीकेंड और वेकेशन को साइड में रखिए और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं जाइए और उसे वोट दीजिए। वोट देगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।